है कि आप साल में कम से कम आप 6 मैराथन तो जरूर कराइए, क्योंकि आप काम तभी करते हो जब मैराथन होता है। तो हमारा भला तभी होगा जब मैराथन होगा और मैराथन के नाम पे आप कुछ काम करेंगे। अभी तो स्थिति ऐसी आ गई है कि मैराथन के नाम पे आप सिर्फ मेन रोड को कवर कर रहे हो और मेन रोड के बगल में, ये इसीलिए मैं आपको यहाँ बुलाया हूँ, चिमादी अप्पा जी का जो ये है स्मृति स्थल, क्या हालत है यहाँ की आप देखिए। नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अली। इस समय हम खड़े हैं वसई ईस्ट से वेस्ट जाने वाले रास्ते पर ब्रिज के यहाँ नरवीर चिमाजी अप्पा जी के पराक्रम को दर्शाने वाले इस एक स्थल के यहाँ। ये बनाया गया था ये दर्शाने के लिए कि नरवीर चिमाजी अप्पा जी ने क्या कुछ किया है, लेकिन इसकी दशा कैसी है वो हम आपको दिखाने आए हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी, जिन्होंने खासकर ये मुद्दे को भी हाथ में लिया है, और आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ है, उनके कुछ पदाधिकारी है, और वो सब ये चीज़ दिखाना चाहेंगे क्या कुछ है इसकी स्थिति। तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या कुछ आम आदमी पार्टी दिखा रही है और क्या कुछ उनका कहना है। सर, आपका नाम? मेरा नाम रवि भूषण है, मैं आम आदमी पार्टी वर्सेस विरार से हूँ। आपने यहाँ बुलाया, क्या विषय है? ये विषय ये है कि हमारी टीम काफ़ी दिनों से ये ऑब्जर्व कर रही है और ये देख रही है कि वसई विरार का महानगर पालिका का जो बजट है उसको बड़ी ही बेतरीब तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद उपायुक्त जो है हमारे, उनको ये मालूम नहीं है कि प्रायोरिटी क्या होती है और कैसे सेट किया जाता है, और उसका एग्जाम्पल आपको देने के लिए यहाँ पे हम बुलाए हैं। एग्जाम्पल ये है कि आप देख सकते हैं कि ये जो एक स्मृति स्थल है ये चिमाजी अप्पा जी को समर्पित है और ये वसई का प्राइड हुआ करता था, लेकिन आज के दिन में आप देखिए इसकी हालत, गेट टूटे हुए हैं, एक पार्क जैसा है जो बिल्कुल चमकना चाहिए था, वेल मेंटेन होना चाहिए था, जिसकी ये हालत कर दी गई है। तो सवाल ये उठता है कि वैसे तो अनिल कुमार पवार जी बोल रहे हैं हम ये चौराहे को चमका रहे हैं, चौराहे को अच्छा कर रहे हैं, मगर उनको वसई के इतिहास के बारे में नहीं मालूम है। शायद वो नहीं जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में चिमाजी अप्पा जी ने पुर्तगालियों से लड़के वसई को आज़ादी दिलाई थी। तो ये वसई का एक प्राइड है, वसई हर एक वसईकर जो है यहाँ के गौरवान्वित महसूस करता है और चिमाजी अप्पा के पराक्रम को याद करता है। तो ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो ये सवाल खड़ा करती है कि ये अनिल कुमार जी और उनकी टीम का और वसई विरार की टीम का काम करने का तरीका क्या है? क्या इनको मालूम नहीं है कि प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं, क्या है पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है? किसी भी चौराहे को बना रहे हैं, यदि आपको चौराहे का सुंदरीकरण करना ही था और यदि आप मैराथन को एक अच्छा बनाना इवेंट बनाना ही चाहते हो, तो आप कोई भी वसई विरार का एक बच्चा भी आपको बोल देगा कि ये चौराहे का सुंदरीकरण की जो शुरुआत होनी चाहिए थी वो शुरुआत नरवीर चिमाजी अप्पा जी के इस स्मृति स्थल, इस पार्क से होनी चाहिए। आप देख सकते या आपका विरोध महानगर पालिका की मैराथन को है? नहीं, बिल्कुल हमारा विरोध वसई विरार महानगर पालिका को मैराथन को लेकर नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल ये मानते हैं कि वसई विरार महानगर पालिका जो ये मैराथन कराती है ये अपना इमेज का मेकओवर के लिए कराती है। वसई विरार की महानगर पालिका को वसई विरार नालासोपारा नायगांव की जनता के हेल्थ और हैप्पीनेस से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, मैं तो खुद हेल्थ कॉन्शियस आदमी हूँ और मैं खुद साइकिलिस्ट हूँ, साइकिल चलाता हूँ और वसई विरार नालासोपारा नायगांव के एक एक जगह को देखता हूँ, घूमता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा, यदि ये मैराथन सच में आपको वसई विरार के जनता की हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए है, तो आप इसको साल में कम से कम 6 बार 8 बार या 9 बार कराइए। 3 महीना बारिश का हटा दीजिए और 9 बार कराइए। इससे होगा क्या कि जो सारे प्रभाग है उनका कल्याण होगा और आपको भी थोड़ा डिटेल में और ज़्यादा काम करने को मिलेगा। आता हूँ इस पे मेन मुद्दे पे। देखिए, मैराथन बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए और इसमें बढ़ चढ़ के सभी लोग भाग लेते हैं। हम लोग मुंबई मैराथन में भाग लेते हैं, यहाँ भाग लेते हैं, हर तरह के लोग, मतलब जो भी लोग हेल्थ कॉन्शियस है मैराथन में भाग लेते हैं और लेना भी चाहिए, अच्छी चीज़ है। लेकिन मैराथन का जो उद्देश्य है, यदि आपको यहाँ के जनता का हेल्थ और हैप्पीनेस की इतनी फिक्र है, तो आपसे एकदम ये है कि आप साल में कम से कम आप 6 मैराथन तो जरूर कराइए,
क्योंकि आप काम तभी करते हो जब मैराथन होता है, तो हमारा भला तभी होगा जब मैराथन होगा और मैराथन के नाम पे आप कुछ काम करेंगे। अभी तो स्थिति ऐसी आ गई है कि मैराथन के नाम पे आप सिर्फ मेन रोड को कवर कर रहे हो और मेन रोड के बगल में, ये इसीलिए मैं आपको यहाँ बुलाया हूँ, चिमाजी अप्पा जी का जो ये है स्मृति स्थल, क्या हालत है यहाँ की आप देखिए। ये जो मोटर है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मोटर काम नहीं कर रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि यहाँ एक सुंदर सा एक फहवारा हो? क्योंकि वसई में जैसे ही कोई लोग आते हैं, बाहर से कोई लोग आते हैं, आमदार आते हैं, खासदार आते हैं, मंत्री आते हैं, सबसे पहले वो ये मेन जंक्शन है, यहीं से गुजरते हैं। उसके आगे और आप देखेंगे इस बोर्ड की हालत देखिए, कभी भी ये बोर्ड गिर सकता है। और सवाल ये है कि दूसरी पार्टियां जो है, बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, बहुजन विकास अघाड़ी, वो क्या कर रही है? वो कहाँ सो रहे हैं उनके लोग, उनके पदाधिकारी? क्या उनको सिर्फ फुटेज खाना है, फोटो खिंचाना है, बड़े बड़े मंच पे जाके बस बात खत्म हो गई? जो वसई की जो प्राइड है उसके लिए कोई क्यों नहीं बोल रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि सबसे पहले इसका नवीनीकरण होना चाहिए था, उसके बाद आपको आपको अब जो सौंदर्यकरण की जो शुरुआत है वो आपको यहीं से करनी चाहिए थी। ये बोर्ड कभी भी गिर सकता है, इसको आप आगे पीछे जैसे भी देख सकते हो, पूरी तरह से जंग लगा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है ISO 9001:2000 सर्टिफाइड। कैसे मिला आपको ये सर्टिफिकेट भाई? इसकी हालत देख के तो नहीं लग रहा, यदि ये उस क्वालिटी का चीज़ होता तो इसमें ऐसी जंग तो लगती नहीं। यदि वो ऐसी उस क्वालिटी की पेंट होती तो पेंट ये पपड़ी की तरह उखड़ता तो नहीं। तो क्या कर रहे हैं आप? आपसे एक निवेदन है कि वसई विरार नायगांव नाला सुपारा के सभी लोगों को चिमाजी अप्पा जी के प्रति काफ़ी श्रद्धा और सम्मान है, कृपया करके आप इसका काम कीजिए। हम कोई फुटेज लेने के लिए और कोई इसके लिए नहीं ये मुद्दा उठा रहे, हमने देखा है, दूसरी तीसरी बार विजिट किया है, और इसमें आप कुछ लाख रुपया आपका खर्च होगा अनिल कुमार पवार जी, इसका आप सौंदर्यकरण कर दीजिए, हम दिल से आपका धन्यवाद देंगे, फिर वीडियो बना के आपके काम को हम अप्रिशिएट करेंगे। या कोई और पार्टी इसका क्रेडिट लेना चाहती है उसको हम क्रेडिट भी देंगे कि चलिए मेन काम हो गया, जनता काम हो गया, एक अच्छा काम हो गया, वो हमारा उद्देश्य है, धन्यवाद बस। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी, उन्होंने इसको पार्क कहे या स्मृति स्थल कहे, क्या कहे, समझ से परे है उसकी जो दुर्दशा दिखाई। उसके साथ में कुछ चीज़ें और ऐसी बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि जो शायद आज दिन तक जिसके ऊपर किसी का ख्याल गया नहीं है। सबसे पहली बात तो मेरा सवाल ये है कि वसई विरार महानगर पालिका जो बोलती है कि मैराथन के ऊपर 3,30,00,000 का उनका बजट है, खर्च है, तो मेरा सवाल ये है आयुक्त साहब से कि 3,30,00,000 किसका, सिर्फ मैराथन का है या मैराथन के नाम पर जो आप सुशोभीकरण करते हैं उसका भी उसमें शामिल है? क्यों, अगर मैराथन के नाम पर जो सुशोभीकरण है उसका भी शामिल है तो निश्चित ही ये मैराथन किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और अगर ये उसके साथ शामिल नहीं है तब भी एक बड़ा घोटाला है, क्योंकि उन जगहों पर बार बार जहां जो रास्ते अच्छे हैं उनको बार बार डामरीकरण किया जाता है, उनका बार बार सौंदर्यीकरण किया जाता है, लेकिन जहां आम लोगों की ज़रूरत की जगह पर है, जहां उनको बताया जाता है कि यहां करो, वहां महानगर पालिका सिरे से खारिज कर देती है, अभी बजट नहीं है, अभी हमारा पास नहीं हुआ है, अभी इसमें कुछ कमियां है टेक्निकल, ऐसे कुछ ना कुछ बहाने बनाकर उसको खारिज कर देती है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल बड़ा है। अभी कई पार्टियों ने मैराथन को लेकर सवाल उठाया, हम पहले से कहते आए मैराथन को लेकर किसी को भी, मैराथन का विरोध किसी को नहीं है, क्योंकि मैराथन हमारे वसई विरार का नाम देश नहीं दुनिया में ऊँचा कर रहा है, लेकिन मैराथन के नाम पर जो खेल पीछे होता है उसको लेकर सबका विरोध है। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका को अपनी स्थिति जो है उसको स्पष्ट करना चाहिए। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।